बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आपको मुश्किलात से निजात का वो ख़ास अमल बताया जाएगा जिसके पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात और रुकावटें दूर हो जाएंगी। आजकल के दौर में लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है, किसी को रिस्क की परेशानी है, किसी को घरेलू लड़ाई झगड़ों की परेशानी है, किसी की शादी का मसला है। तो इन तमाम मुश्किलात और आजमाइशों से बचने का एक नबवी वजीफ़ा आपके साथ शेयर किया जाएगा। बहुत आसान वजीफ़ा है, बस आपने करना ये है कि सुबह उठते साथ ही जब फजर की नमाज अदा कर लें तो इसके बाद 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये वाले कलमात आपने 100 बार पढ़ने हैं। आपकी सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए इन कलमात को लिख कर भी दिखाया जा रहा है। और ख़वातीनों हज़रात, ये वजीफ़ा आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि वो खुद भी ये अमल कम अज़ कम 100 बार ज़रूर पढ़ते थे, यानी कि 100 बार अस्तग़फ़ार पढ़ना उनकी सुन्नत है। तो हम जितनी ज़्यादा अस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, अल्लाह ताला का हम पर करम होगा और हमारे गुनाहों की वजह से जो नाराज़गी है, अल्लाह ताला इसको ख़त्म कर देगा। आप भी खुद आदत बना लें, 100 बार ये कलमात पढ़ें और अपने दूसरे दोस्त अहबाब को भी बताएं। और इसके साथ एक चीज़ और ऐड करता चलूं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल इसकी बरकत से तमाम नहुसत दूर हो जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।